नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केलकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले कुछ सालों से एज अ साइकियाट्रिस्ट अकोला महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो है ओसीडी पे। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको मराठी में मंत्र चाड़ेपणा ये भी बोलते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है क्या और वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कोई भी पेशेंट को या कोई भी व्यक्ति को बार 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 विचार आते रहते हैं, कंटिन्यूस विचार आते रहते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्सेशंस, यानी ऑब्सेसिवनेस। और अगर ये विचार कंटिन्यू आते गए और वो विचार कंट्रोल के बाहर होते गए तो उसके बोलते हैं ऑब्सेसिव डिसऑर्डर। अब कंपल्शन क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? तो कंपल्शन मतलब अगर ऑब्सेशन मतलब बार 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 विचार आने के कारण अगर पेशेंट उस पर एक्शन लेते गया, मतलब उसको एक्टिव कुछ न कुछ एक्शन करते गया उस पर, तो उसको बोलते हैं कंपल्शन। ये जोड़ के तैयार होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के कारण कोई भी अच्छा व्यक्ति भी उसमें इतना टाइम बिताता है कि वो अच्छे से काम नहीं कर सकता और पूरे दिन भर उसी में एंग्रॉस रहता है, उसी में घुसा हुआ रहता है, उसमें बिजी रहता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 99% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये बीमारी है और उसे ठीक किया जा सकता है। इसमें अलग अलग प्रकार के ओसीडी होते हैं। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे पॉलिटिशियंस एक्टर एक्ट्रेसेस को भी ओसीडी नाम की बीमारी हो चुकी है और वो आज खुले में बाहर आके बता रहे हैं कि हमें ये बीमारी है, ये बीमारी की ट्रीटमेंट लेना कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है और ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये आज इंडिया में लगभग 1-2% लोगों को हो रहा है। ये लड़कों और लड़कियों में कॉमनली पाया जाता है और प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो चुका है उनकी शादियां नहीं होती, अगर शादियां हुई तो डिवोर्स हो जाता है, काम है तो उनको काम से हाथ धोना पड़ता है, पूरा सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, फैमिली लाइफ वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें कोमॉर्बिडिटीज क्या है? ओसीडी में बहुत सारे अलग अलग जो डिजीजेस है वो साथ में जुड़ के आती है, वो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, दूसरा है डिप्रेशन। ऐसा पाया गया है कि ओसीडी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन भी होता है, सोशल फोबिया, एंग्जाइटी, टेंशन, ऐसे बहुत सारी बीमारियां ओसीडी में होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होती है। ओसीडी का एटियोलॉजी क्या है, कॉसेस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक, यानी जीन्स के थ्रू ये आता है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल। बहुत सारे बच्चे जो बचपन से डोमिनेट करते आए हैं उनके पेरेंट्स उनको, घर में अशांत वातावरण है, घर में डाउटफुल वातावरण है, ऐसे लोगों को ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। इसके टाइप्स क्या क्या है, इसके प्रकार क्या क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि खाली हाथ धोना ये एक में वो ओसीडी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो जानना जरूरी है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको ये कोई भी इसमें से हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग। बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथों में डस्ट या कंटामिनेशन जमा है तो वो बार 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 हाथ धोते रहते हैं। सेकेंड है कंटामिनेशन, यानी ऐसा लगना कि मेरे हाथों में या मेरे शरीर में कोई टॉयलेट, किसी की टॉयलेट या स्पर्म्स या किसी की छींक या किसी का यूरिन हाथ में मेरे लग गया है और वो पेशेंट बार 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 हाथ धोने लगता है। कितना भी वो पेशेंट को समझाए तो भी वो पेशेंट समझ नहीं पाता, उसे लगता है कि जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो मेरे हाथ को लग गया है। किसी को लगता है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, जो महीना आता है लेडीज को उसका जो ब्लड है वो मेरे हाथ को लग गया है, ऐसा कुछ कुछ लेडीज को लगता है। किसी को लगता है कि कुत्ते का या किसी प्राणी का सलाइवा हाथ को लग गया है। किसी को लगता है कि टॉयलेट मतलब जो टट्टी है वो हाथ को लग गई है, ऐसा पेशेंट को आभास होता है और उसके कारण वो बार 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 हाथ धोने लगता है। जो तीसरा सिम्टम है वो चेकिंग, मतलब बार 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 कोई भी व्यक्ति चेक करता रहता है कि लॉक बंद तो नहीं किया, बंद किया या नहीं किया,
कार को बराबर चाबी लगाई या नहीं लगाई, स्टोव या गैस बराबर बंद किया या नहीं किया, और कितनी बार भी उसने घुमाया तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसने वो काम कंप्लीट किया नहीं है। चौथा जो सिम्टम है ओसीडी का, जो अभी बहुत हम देखते आ रहे हैं, वो है सेक्सुअल ओसीडी। पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि वो सेक्स की क्रिया कर रहा है, उसका ध्यान लोगों के जेनाइटल्स पे, ब्रेस्ट पे या वजाना पे बार बार जाता है। उसको दिमाग में ऐसा फोटो आते रहता है कि मैं लोगों के साथ सेक्स कर रहा हूँ, अलग अलग क्रिया कर रहा हूँ। जितना भी वो छुपाने जाए फिर भी बार बार वो सेक्सुअल क्रिया या सेक्सुअल जो ओसीडी है वो बार बार दिमाग में आते रहता है। उस कारण पेशेंट का जीना पूरा हराम हो जाता है। जो अगला जो ओसीडी है वो वॉशिंग है। वॉशिंग मतलब बार बार वो कपड़े धोते रहता है, बार बार वो यूटेंसिल्स धोते रहता है, बार बार वो जमीन पोछते रहता है, तो ये भी एक प्रकार का ओसीडी है। अगला ओसीडी है होर्डिंग, मतलब वो हर प्रकार का कचरा खुद के घर में जमा करते रहता है। कितना भी वेस्ट मटेरियल हो, कितना भी कचरा हो, वो खुद के घर में कंटिन्यू जमा करके रहता है और पूरा कचरा घर में भरा हुआ रहता है। ऐसा अलग अलग प्रकार के ओसीडी हमें दिखते हैं। मैं और भी कुछ सिम्टम्स और प्रकार आपको ओसीडी में अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक ये वीडियो, मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।